हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। क्लास टेंथ वालों के 15 दिनों का हमने जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और ये पहला दिन है और पहला दिन ही जो है 20 नंबर के हम क्लास करवा रहे हैं। यानी कि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपका 20 नंबर 500 में से आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 नंबर आज आपको हिंदी से हम दिलवाएंगे। कैसे दिलवाएंगे आइए देखते हैं। हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप देखेंगे, मॉडल पेपर आप सभी लोग खरीद लिए हैं ना, जो बोर्ड की तरफ से आया है, तो नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसका ऑब्जेक्टिव छुड़ा के सब्जेक्टिव में जब आएंगे और पहला ही क्वेश्चन जब देखेंगे तो उसका हेडिंग ऐसे लिखा रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से, यहाँ से देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए है, नीचे जो देवल गई है, प्रश्नों के उत्तर दें। अब प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का है, हई 5 गो प्रश्न है, अब 5ों जो है 2-2 नंबर के है तो 10 नंबर। ऐसा नहीं 2 गो देले रहेगा, एगो क आ एगो ख, क और ख में से कौनो एगो बना दीजिएगा तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। आई दूसरा नंबर भी प्रश्न आप देखिएगा तो गद्यांश बनाही वाला भी होता है तो वह में 10 नंबर, 20 नंबर। अब इतना समझ गए तो अब आपके मन में डाउट कि सर ये बनेगा कैसे, वह तो चला वो बतावा थी। इसको बनाने के लिए बड़ी आसान है यार, लेकिन बता देते हैं। इसको बनाने के लिए पहले है थोड़ा छोटा मोटा कहानी है वो बड़ा पढ़ लेवेला है, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले ई पढ़ेला है गद्यांश बनावे के ट्रिक कि इसको सब आदमी क्या करता है कि पहले इसको पढ़ता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पहले इसको पढ़िए उसके बाद इसको पढ़िए। देखिए आंसर तुरंत मिलेगा, तो पहले इसको पढ़ना है। कई लोग क्या समझते हैं ये पढ़ लिए। दूसरा प्रश्न है कि अनुशासन द्वारा किसकी रक्षा होती है, ये पढ़ लिए। तीसरा प्रश्न है कि सड़क पर हमें किस ओर चलना चाहिए, ये प्रश्न जान गए। चौथा प्रश्न है कि कौन भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं, यो जान गए। अब है पांचवा कि भारत के सबसे सच्चे सपूत कैसे कहला सकते हैं, प्रश्न जान गए क्या क्या है, ठीक है कि नहीं। अब जो है कहानी पढ़ेंगे तो देखिएगा। कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है। आइए आइए, हमने के पहला प्रश्न पढ़ ले रहे तो क्या कहले था कि कई लोग क्या समझते हैं, है क्या, देखिएगा कई लोग क्या समझते हैं। तो देखिए, कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है। लो, पहला के आंसर आपको मिल गया, 2 नंबर के खेला खत्म हो गए, लेकिन 2 नंबर। सेकंड प्रश्न, अनुशासन द्वारा किसकी रक्षा होती है, प्रश्न हम लोग पढ़ लिए, अब कहानी पढ़ेंगे। किंतु वास्तव में यह भ्रम है, अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती है बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अनुशासन द्वारा किसकी रक्षा होती है, तो अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता की रक्षा होती है। मिल गया आंसर, मिला कि नहीं। अनुशासन द्वारा किसकी रक्षा होती है, तो अनुशासन के द्वारा स्वतंत्रता की रक्षा होती है। बस 2 नंबर 2 नंबर, 4 नंबर के खेला खत्म। आइए ये तीसरा क्वेश्चन, सड़क पर हमें किस ओर चलना चाहिए। हमने के लड़के से जानी थी कि सड़क पर जो है हमेशा बायां साइड से चलना चाहिए, लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, मालूम है कि नहीं है, लेकिन इनमें लिखल है, कहीं लिखल होगा। सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें बाईं ओर से चलनी चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि सड़क पर हमें किसके जगह, किस मतलब कि वो किस नहीं, किस क्वेश्चन है, ठीक है ना, किस के जगह जो है यहाँ पे बाई लिख देंगे कि सड़क पर हमें बाई ओर चलना चाहिए,
किस को हटाएंगे और बाई को डाल देंगे, है कि नहीं? हो गया आंसर। ये सब मुखली सब बउआ आला तोहनी के 15 दिन में जो है एक्सपर्ट बना देंगे। देखो क्रैश कोर्स अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओकर नोट्स मिले, आंसर नहीं मिलेगा, खाली क्वेश्चन मिलेगा, पहले ही बता दे रहे हैं, तो उसके लिए क्रैश कोर्स के लिए जो है 25 रुपया आपको जो है 15 दिन का लग रहा है, 25 रुपया, मात्र 25 रुपया। इस पर जो है पेमेंट कर रहा है 9608339424, इस पर आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और जिला के नाम लिख के, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट का वो आपको बारी बारी से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है कि नहीं? अब देखें नेक्स्ट, कौन भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं? तागे एजा तक तो हमने के पढ़ ले लेने बाई और चलनी चाहिए, किंतु चाहे तो हम बीच में भी चल सकते हैं, इससे हम अपने प्राण तो संकट में डालते ही हैं, दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनते हैं। विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं, मिला कि नहीं? कौन भारत के भावी राष्ट्र निर्माता है? तो यहाँ लिखल है कि विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं। हो गई आंसर, दू नंबर ही जा दू नंबर ही हई में मिल गई हली, किस वाला में दू नंबर आई दू नंबर, 8 नंबर अभी हमनी के मिल गया। और 5वां नंबर, भारत के सच्चे सपूत कैसे कहला सकते हैं? उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना चाहिए जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सके। इससे का आंसर कैसे लिखेंगे, भारत के सच्चे सपूत कैसे कहला सकते हैं? तो ये लिखल का है कि उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास करना अभी से करना चाहिए जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सकते हैं। वही तो आंसर वह लिखेंगे कि भारत के सच्चे सपूत कैसे कहला सकते हैं, तो भारत के सच्चे सपूत अनुशासन के गुणों को सीख कर उसका अभ्यास करके कहला सकते हैं। हो गई 10 नंबर के खेला। और दूसरा नंबर भी जो है प्रश्नवा, जैसे 1 नंबर हो गया तो दूसरा नंबर देखिएगा सब्जेक्टिव में तो ऐसा रहता है, और वो 10 नंबर के आता है, तो 10 10 20 नंबर, ठीक है? अब जो है आपको ये देख लेला तो ये 10 नंबर नहीं मिलता वह, ठीक ना? आपको जो है ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करना है कम से कम 4-5 गो। कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन बैंक में से 2022 के क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लीजिए, 2021 के प्रैक्टिस कर लीजिए और मॉडल पेपर के प्रैक्टिस कर लीजिए। अरे यहाँ छोड़ा के आओ कहीं से नहीं आवेला है, ठीक ना? 20 नंबर आपको चाहिए तो तनी आज वीडियो देखे हैं, आज जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको 20 नंबर 500 में से रखल है कि नहीं? वीडियो देखे हैं तो अपन जो भी दोस्त है पागल दोस्त उससे जो है वहाँ तक शेयर कीजिए, ठीक है? वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।